हमारी वारंटी होती है 10 गेज की, आपको 3 साल की वारंटी होगी, 12 गेज की 2 साल की, 8 गेज की 5 साल की, 6 गेज की 6 साल की। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने शीट एक निकलवाई है इनसे, और ये शीट कितने गेज के ऊपर है? 10 गेज के ऊपर है। ये इस तरह से फोल्ड होगी, इसको मोल्ड किस तरह किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी मशीन है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे ये मोल्ड की जाएगी। अच्छा, जो हमने पहले देखा था वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होगी और इसके अंदर जो शीट वगैरह लगती हैं वो सब लगेंगी। ये कवर्स रखे हुए हैं, ये कवर्स उसके ऊपर लगते हैं, फिर थर्मोस्टेट वगैरह लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं और जी गीज़र आपका तैयार हो जाता है। और कवर भी पाउडर कोटिंग होगा, अगर आपके पास चाबी है तो इसके ऊपर चाबी मार ले, कलर नहीं उतरेगा इंशाल्लाह। 3 साल की टेंगलिकस की वारंटी है, 1 साल की थर्मोस्टेट की है। थर्मोस्टेट अमेरिकन होगा, रिकंडीशन कह के देते हैं, रिकंडीशन है वो, खारे पानी के नहीं है। हमारे ऑर्डर पे गीज़र बनते हैं 8 गेज के, कस्टमर के डिमांड होते हैं, जिस 4-5 कलर के होते हैं, जो कस्टमर बोलता है हम वो करके देते हैं। ये 50 गैलन का है, ये 2-in-1 है, ये थर्मोस्टेट भी वही लगा हुआ है, यहाँ पर एलिमेंट लगे। जैसे हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई आता है आपके पास तो उसके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट होगा? स्पेशल डिस्काउंट हम कर देंगे उनके लिए, कर देंगे जी हाँ। देख सकते हैं व्यूज, इनके पास बहुत सारी क्वांटिटी मौजूद है, डिफरेंट गेजेस के ऊपर हैं, डिफरेंट इनके पानी की कैपेसिटी मौजूद है, छोटे बड़े सारे गीज़र मौजूद हैं, कमर्शियल तौर पे भी और रेजिडेंशियल तौर पे भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं गीज़र को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक? इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गीज़र की शॉप में। आपको जैसे कि पता है कि विंटर का सीज़न आने वाला है और ये गीज़र्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक काम की वीडियो लेके आए। वीडियोज़ तो बहुत सारी लोग बनाते हैं लेकिन काम की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है ये वाली वीडियो, क्योंकि यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सारे और इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, डिफरेंट गेजेस के ऊपर हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुनासिब रेट हैं इनके। ये मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहाँ का भी आपको विज़िट करवाएंगे, यहाँ के रेट्स भी बताएंगे, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे और एड्रेस भी देंगे। वीडियो में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मौजूद होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी है, यहाँ पर जो साहब होते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएँगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किन प्राइसेस के ऊपर हमें गीजर मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहबाज। शहबाज भाई, ये बताएं हम लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं? हाईवे गीजर एंड सर्विस सेंटर। और ये है कहाँ पे, लोकेशन क्या है? लोकेशन है मेन वाटर पम्प, हाईवे गीजर, हाजी महफूज शिरमाल के बराबर में, अपोजिट खान ब्रोस। ठीक हो गया। टाइमिंग्स वगैरह क्या है यहाँ की? 10 AM से लेके 10 AM से लेके 8 PM तक। अच्छा, और संडे ऑफ होता है या नहीं होता? संडे 11 से 4। 11 से 4 होते हैं। फ्राइडे ऑन होता है? फ्राइडे जी ऑन होता है। मतलब नमाज के बाद है या शुरू? कुछ जो बंदे होते हैं हमारे कारीगर वो कुछ अलग मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं और कुछ अलग मस्जिद में, मतलब तो फ्राइडे को भी ऑन है फुल टाइम। ऑनलाइन करते हैं आप लोग काम? ऑनलाइन काम अगर कोई कहता है तो कर देते हैं, वैसे ऑनलाइन नहीं करते, ऐसे डिलीवरी देते हैं, पेमेंट पहले आती है फिर बाद में डिलीवरी देते हैं। अच्छा, एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है जी। गीजर आपके पास कम से कम कितनी रेंज का, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेंज? कम से कम हमारे पास गीजर होता है 14 गेज, 12 गेज, 10 गेज, 8 गेज, ये हमारे अपने खुद मैन्युफैक्चर है। 8 गेज और स्पेशल हाई राइज बिल्डिंग के लिए 8 गेज प्रेशर पम्प, 6 गेज ठीक है सोल्ट वाटर के लिए, ये हमारा बना हुआ है गीजर स्टील का, ये 50 गैलन का है, ये कमर्शियल यूज़ में भी आता है, रेजिडेंशियल में भी आता है। अच्छा। ये जी स्टील कवर है, ये ज़्यादातर हमारे डिफेंस क्लिफ्टन में जाते हैं गीजर, इसमें 8 गेज की लपेट लगी हुई है, टॉप बॉटम 6 गेज के लगे हुए हैं, थर्मोस्टेट अमेरिकन है, रिकंडीशन ठीक है, 3 इंची का पाइप है, आपको कम से कम हमारे पास 22,000 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 8 गेज का आपको पड़ेगा 34,000 रुपये का। 24,000 रुपये का? अगर आप उसमें गैलन ज़्यादा ले लेंगे स्टील कवर में आ जाएंगे तो फिर वो आपको 48 का भी है, 52 का भी है। अच्छा, तो ये आप खुद बनाते हैं? जी, आप उधर आ जाएं हमारा वर्कशॉप देख लें। अच्छा, वर्कशॉप भी आपके जी, यहीं पर है? आप हमारे पास ऐसा भी होता है, कहीं होगा भी नहीं, गेज कर लें चादर, गेज करके साइन कर दें, जब टंकी बन जाए अपने सामने पैक करा लें। अच्छा, तो ये तो नहीं होता कि मतलब गेज कोई और सा बता रहे हैं, देख नहीं, जब कस्टमर अपने चीज होती है, जब कस्टमर बॉस अपने साइन कर रहा है तो फिर उसमें कैसे हेरा फेरी हो जाएगी। अच्छा जी, शहबाज भाई, ये आपका वर्कशॉप है? जी भाई जान। ठीक हो गया, तो किस तरह बनता है यहाँ पे जरा बताएं मुझे। ये हमारे ये देखें, ये आप इसको देखें, जैसे आप कहते हैं कि आप कहें कुछ और दे कुछ, ठीक है, ये चादर आ गई है, ये देखें,
ये साइन करे हुए कस्टमर ने। अब जब साइन चेक होंगे कस्टमर यहाँ पर आएगा, उससे पहले हम पैक नहीं करेंगे इसको। अच्छा जी, फूल वाला माल होता है। कितने गेज के ऊपर है ये वाला? ये 10 गेज के ऊपर है। 10 गेज के ऊपर जी हमारे पास फूल वाला माल होता है। ये 8 गेज का है। अच्छा ठीक है, ऐसे 3 इंची के पाइप में देते हैं हम लोग। ठीक हो गया। ये हमारी अलग वेल्डिंग होती है, प्रेशर पम्प की अंदर बाहर दोनों जगह वेल्डिंग होती है। हमारी वारंटी होती है 10 गेज की, आपको 3 साल की वारंटी होगी, 12 गेज की 2 साल की, 8 गेज की 5 साल की, 6 गेज की 6 साल की, कोई लीकेज वगैरह की वारंटी होती है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह भी होता है तो सब चीज़ें ये हम लोगों का अपने दुकान का ही वारंटी कार्ड होता है, और हमारे दुकान के अपने बंदे होते हैं, वर्कर होते हैं, मुझे जाके उनकी कंप्लेन को सही करते हैं। कोई चार्जेस नहीं होते। ये 1 साल तक के लिए है या? 1 साल के लिए, सिर्फ थर्मोस्टेट की वारंटी होती है। 1 साल की जी। थर्मोस्टेट कौन सा वाला होता है? थर्मोस्टेट हमारा अमेरिकन होता है, रिकंडीशन। अच्छा। नया नहीं होता, लोग उसको बाजकर लोग नया कह के बेच रहे होते हैं। नया उसी में चाइना का आता है, वो हम लोग नहीं लगाते हैं। बेहतर ये समझते हैं कि रिकंडीशन लगाते हैं, वो 10 साल 8 साल के बाद भी रिपेयरेबल होता है उन्हीं के घर पर। सब चीज़ें अपनी मैन्युफैक्चर है ना, ये सब बन रही है, फिर वहाँ जाके फिटिंग होते हैं वो। जी जी, वो अलग होते चार्जेस। उसका अंदाजन क्या चार्जेस होंगे? काम के ऊपर डिपेंड करता है, 1500 रुपये भी होते हैं, 2000 रुपये भी होते हैं, जैसा काम होता है। ये हमारा ये देखें, ये फूल वाली चादर है। अच्छा जी, ये कौन कौन सी चादर रखी हुई है आपकी? ये हमारी 12-10 गेज की चादर है। ठीक है ठीक है, ये फूल वाला माल होगा, आप इसको देख लें। फूल वाला मतलब जस्ट क्वालिटी अच्छी होती है इसकी, क्वालिटी अच्छी होती है इसकी, जस्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा, ये कम से कम भी 370 क्वालिटी का माल होता है। अच्छा। दूसरा वाला माल नहीं लगाते हैं, काली चादर में लगाते हैं, वो लीकेज वगैरह से जल्दी जो है ना बैठ जाता है, उसकी लीकेज जल्दी हो जाती है। और ये कितने अर्से अंदाजन चलेगा? कम से कम 3 साल की वारंटी देते हैं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे ज़्यादातर कस्टमर पुराने आते हैं, तो इससे बेहतर है 7-8 साल आराम से चलता है। ये 10 गेज में कितना अर्सा चल जाए? 10 गेज आराम से चल जाता है 7-8 साल, और इसी में 8 गेज का है, ठीक है, वो आपका 14-15 साल आराम से चलता है। 14-15 साल निकाल जी। अच्छा, 8 गेज वाला कम ज़्यादा चलता है जी? असल में इसमें उल्टा हिसाब होता है, गेज होता है ना, 10 गेज भारी हल्का होता है, उससे भारी होता है 8 गेज, उससे भारी होता है 6 गेज, इसमें उल्टा हिसाब होता है। अच्छा, एमएम में माल आता है तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है गेज में। 6 गेज वाला कितना टाइम तक? 6 गेज वाला आराम से 15-20 साल कहीं भी नहीं आता। हमारे ये पटेल हॉस्पिटल वगैरह है, ठीक है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे, बड़े बड़े गीजर गए 100-100 गैलन के, 120 लीटर के, वो 6 गेज में बनाते हैं प्रेशर पंप। और कौन कौन सी चादरें मौजूद हैं यहाँ पे? ये 10 गेज की है, ये 8 गेज की है, ये 10 गेज की है, आप अंदर आ जाएं, अंदर दिखा देते हैं। ये रोलर मशीन है, अगर आप बोलेंगे तो हम आपको चादर यार एक लोग ज़्यादातर कहते हैं ऐसा कि 8 गेज और 6 गेज रोल कैसे होगी, तो अगर आप कहो तो हम आपको रोलिंग करके उड़ाते हैं। ये हमारा कॉइल लेते हैं तो उसमें जो है ना अपने साइज़ का कटवाते हैं। अच्छा, साइज का कटवाते हैं आप लोग जी? ठीक, उसमें तो अभी ये बताएं कि अभी कुछ रेट्स में फ़र्क पड़ा ही है? जी जी बिल्कुल पड़ा है। जो चादर हम लोग लेते थे 120 रुपये 130 रुपये किलो, वो चादर हो गई है अभी 280 रुपये 265 रुपये किलो, 75 रुपये किलो, डबल गीजर के रेट भी बढ़ गए। कस्टमर हमारे को कहते हैं। अच्छा जी, हम क्या कर सकते? ये रेट डॉलर की वजह से बढ़े? डॉलर की वजह से ही बढ़े, मौसम आ रहा है इस वजह से आप लोगों ने? सिर्फ डॉलर की वजह से बढ़े सर, आपने तो नहीं बढ़ाया? नहीं नहीं नहीं, हमारे को पीछे से हमारे तो कस्टमर पुराने ही होते हैं। अच्छा। वो तो ये कहते हैं कि हम जब भी गीजर लेते हैं हाईवे गीजर को यूज़ करते हैं हम। अच्छा, मगर क्यों उसमें यूँ कहना पड़ता है, फिर वो लोग भी समझ जाते हैं कि यार डॉलर ऊपर जा रहा है तो ये चादर इम्पोर्टेड होती है, ऑस्ट्रेलिया की चादर, इस वजह से। तो ये कंपनी के जो गीजर होते हैं और जो आप अपने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, कंपनी के गीजर 16-14 गेज में बने हुए होते हैं, लोकल थर्मोस्टेट होता है, गिलास वुल पूरी नहीं लगाते, 2.5 इंची के पाइप में देते हैं। हम लोगों का कम से कम भी 10 गेज अच्छा होता है, 10 गेज 8 गेज हम लोग उसमें गीजर बनाते हैं, ठीक है, 3 साल की वारंटी देते हैं, फिर आराम से 8-10 साल आराम से चलता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितने भी फिडेल भी एरिया है जोहर है हमारे, मगर वो आप उससे अगर देखेंगे तो कंपनी के गीज़र वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बहुत हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा होती हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, साल में आराम से अच्छे खासे गीजर बिक जाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने शीट एक निकलवाई है इनसे, और ये शीट कितने गेज के ऊपर है? 10 गेज के ऊपर है। ये इस तरह से फोल्ड होगी, इसको मोल्ड किस तरह किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी मशीन है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे ये मोल्ड की जाएगी, मतलब फोल्ड की जाएगी, उसको गोलाई में लेके आया जाएगा। तो ये आप प्रोसीजर देखिएगा इसका।
और उसके बाद फिर इसकी जो है वो वेल्डिंग वगैरह होती है, बाकी चीज़ें लगती हैं, सारे प्रोसेस यहीं पर होता है। ये मैन्युफैक्चरर है भाई, तो अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है इनसे तो आप इनका व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो में भी दे दूंगा, और इनका एड्रेस भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं। अंकल ये कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ये काम तकरीबन 72 से शॉप है आपकी यहाँ पे ये? अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। और ये इस शेप के अंदर आ चुका है, ये आप शेप चेक करें। और इसके बाद जो है आप किस प्रोसीजर में जाएगा ये? अच्छा, जो हमने पहले देखा था वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होगी और इसके अंदर जो शीट वगैरह लगती हैं वो सब लगेंगी। अच्छा, और उसके बाद फिर फाइनल स्टेज में आता है कलर वगैरह पे? आता है, ये कवर होते हैं, कवर पे करा दें। अच्छा, यहाँ पे ये कवर वगैरह लगते हैं? ये रखे कवर। ठीक हो गया, ये कवर लगे हुए भाई, ये रखे हुए यहाँ पे, ये कवर्स रखे हुए, ये कवर्स उसके ऊपर लगते हैं, फिर थर्मोस्टेट वगैरह लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं और जी गीज़र आपका तैयार हो जाता है। तो चले इनसे रेट्स पता करते हैं कि किन रेट्स के ऊपर मिल रहे हैं। ये कवर होता है, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, ये तो कवर होता है अंदर का पाउच, ठीक है, इसके बाहर से सिर्फ कवर होता है, अंदर से काली चादर में लोग बना रहे होते हैं। आप ये देखें, हमारी इजी चादर है। अच्छा, ये देखें जी। और कवर भी पाउडर कोटिंग होगा, अगर आपके पास चाबी है तो इसके ऊपर चाबी मार लें, कलर नहीं उतरेगा इंशाल्लाह। ये कितने लीटर है? ये 30 गैलन का है, 120 लीटर। वो 20 गैलन का है, ये 15 गैलन का नहीं है, ये 20 गैलन का है, 15 गैलन का इससे छोटा होता है। ये 10 गेज में आपको पड़ेगा 24,000। 3 साल की टैंग लीगेसी वारंटी है, 1 साल की थर्मोस्टेट की है, थर्मोस्टेट अमेरिकन होगा, रिकंडीशन कह के देते हैं, रिकंडीशन है बॉस। अच्छा, तो ये नए नहीं लगते थर्मोस्टेट? सर ये थर्मोस्टेट नए जो है ना, नए नहीं आते, अब रिकंडीशन ही आते हैं, लोग इसको नए कह के बेच रहे होते हैं, मगर हम कह के देते हैं रिकंडीशन है। चलता है 1 ईयर की वारंटी होती है हमारी शॉप की, सही है, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो ये घर पे रिपेयरेबल हो जाता है। अच्छा, और इसके बाद क्या प्राइस है, कौन सा है इसके बाद? इसके पास 30 गैलन का है। 30 गैलन का जी, ठीक है। ये 10 गेज की लपेट है, टॉप बॉटम 8 गेज के हैं, या 27 का पड़ेगा आपको। 27 का पड़ेगा, और इसका भी वही थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट सबके हमारे पास 12 गेज से लेके 6 गेज में, सब में थर्मोस्टेट अमेरिकन ही मिलेंगे इंशाल्लाह। एक भी यहाँ से लेके वहाँ तक भी 100-150 गीजर रखे हुए हैं जी, यहाँ से लेके वहाँ तक 100-150 गीजर रखे हुए हैं, किसी में भी। सिल्वर में, जो सिल्वर में रखा हुआ है? ये सिल्वर में नहीं है सर, ये स्टेनलेस स्टील है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, क्योंकि स्टील भी बहुत महंगा हो गया, और ये स्टील भी हम चाइना का इस्तेमाल नहीं करते, ताइवान का इस्तेमाल करते हैं। ये कमर्शियल के लिए भी आता है, रेजिडेंशियल के लिए, जिसमें घर बड़े बड़े घर होते हैं, 600 गज 1000 गज, एक वॉशरूम उसको होने पर होता है, तो वॉशरूम उसको होने पर होता है, लाइनों में पानी वेस्ट होता है, इस वजह से बड़ा गीजर हम कस्टमर को रिपेयर करते हैं। तो ये कितने का होगा? ये 8 गेज में बना हुआ है, स्टील कवर है, 50 गैलन का है, ये लीटर कम से कम आपका होगा 180 लीटर। ये ऑटोमेटिक होता है ना? जी जो होता जी है, आपने जिस टेम्परेचर पर रखा, जैसे ये पायलट का ऑप्शन, ये वार्म, ये पायलट है, ठीक है, पहले ऑन ऐसे करना पड़ता है, पुश करके ऑन होता हो जाता है, ठीक है, फिर इसको ऑन करना पड़ता है पायलट के बाद, फिर आपको ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, वार्म, मीडियम, वेरी हॉट, ठीक है। आप कस्टमर जिस पे भी रखेगा ना, वार्म पे रख दिया मिसाल के तौर पर, वार्म टेम्परेचर करने के बाद बर्नर जो होता है ना इसका, वो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जब उसमें से पानी निकलना शुरू होगा तो उसके बाद खुद ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये जो मार्केट में जो छोटे गीजर मिल रहे हैं आजकल, जो सिंगल वाले होते हैं, सिंगल बाथरूम में लगते हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, मतलब वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं? वो ऐसा होता है सर, उसके अंदर लाइनें जो है ना, पाइप वगैरह जिसमें आ रहे होते हैं, वो तो है, नल का खोलें और वो बर्नर उसका ऑन हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ठीक है, मगर उसमें ये होता है लाइनें बहुत छोटी छोटी होती हैं, और आपको पता है कराची है, यहाँ पर पानी है नहीं, बोरिंग का पानी होता है, एक नलके के नहीं होता है वो, और फिर लाइनें बहुत पतली पतली हैं, उसके अंदर बोरिंग का पानी आता है, फिर वो रिपेयरेबल नहीं होता, आप लेके घूमते रहे, मतलब साल डेढ़ साल उसकी बस, एक सीज़न करता है बस, वो एक सीज़न निकालता है। ये हमारे खारे पानी के नहीं है, हमारे ऑर्डर पे गीजर बनते हैं 8 गेज के। अच्छा जी, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसकी वारंटी भी हमारी उतनी होती, कुछ भी नहीं होगा, वो 8 गेज का आपको 32,000 रुपये का मिलेगा, 30 गैलन का। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, मोबाइल मैंने आपको पहले भी दिखाई,
के कस्टमर साइन करके बनवा लेता है। हाँ। कोई कस्टमर कहता है यार मुझे नहीं पता अंदर के गेज क्या हो, ये देखें वहाँ पर मैंने चादर आपको दिखाई थी ऐसे ही ये कस्टमर ने साइन करे हुए, ये देखें ये सिग्नेचर हुए हुए। अब कस्टमर आएगा, कस्टमर को बोलेगा हाँ ये मेरे साइन है, कस्टमर ये हमारे पास से गीज़र उठा के ले जाएगा जी। कस्टमर की डिमांड होती है, जिस चार पांच कलर के होते हैं जो कस्टमर बोलते हैं हम वो करके दे। ये 20 गैलन के हैं सर। ये 20 गैलन के, ये कितने की चादर के ऊपर है? ये 10 गेज की चादर में बने। और ये कितने का पड़ रहा है? ये 10 गेज का 24,000 रुपये का। 24,000 रुपये का पड़ रहा है। वैसे नॉर्मली आप क्या प्रिपेयर करते हैं, छोटा लेना चाहिए नॉर्मल फ्लैट वगैरह के लिए या बड़ा लेना चाहिए? असल में छोटा है और बड़े में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 3,000 रुपये का फ़र्क होता है। अच्छा। उसमें ये होता है कभी आपके मेहमान वगैरह आ जाते हैं, आपकी फैमिली तो है छोटी, कभी घर वालों घर में मेहमान वगैरह आ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, सर्दी में कपड़े भी गर्म पानी पर वॉश हो रहे हैं, बर्तन भी गर्म पानी पर वॉश हो रहे हैं, तो उससे बेहतर हम कस्टमर को कहते हैं कि आप 8-10-30 गैलन का ले लें, उसमें वो बेहतर रहता है, वो बेहतर रहेगा ताकि पानी की कैपेसिटी ज़्यादा हो। ज़्यादा ठीक हो गया भाई। ये देख सकते हैं काफ़ी सारी इनके पास वैरायटी मौजूद है और ये खुद मैन्युफैक्चर है यहाँ पर, यहाँ पे इनके खुद बनते हैं ये गीज़र सारे। कमर्शियल तौर पे भी मिल जाएगा आपको, रेजिडेंशियल तौर पर भी मिल जाएगा। ये ज़्यादातर हमारे डिफेंस क्राफ्टर में आते हैं 8 गेज के, ये रखे हैं स्टेनलेस स्टील के, जो अभी आपने बाहर दिखाया जी वो बड़ा था, ये 30 गैलन, वो 50 गैलन का है, ये 30 गैलन का, ये 30 गैलन का। ये कितने का पड़ेगा? ये 30 गैलन का आपको पड़ेगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये ये लगे हुए, ये 50 गैलन का जी, ये 50 गैलन का है, ये 2-in-1 है, ये थर्मोस्टेट भी वही लगा हुआ है, यहाँ पर एलिमेंट लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट लगेगा जो इलेक्ट्रिक से चलेगा जी, 2000 वोल्ट का एक एलिमेंट होता है, इसमें 50 गैलन का है तो 2 लगेंगे। ये तो बिजली अच्छी खासी लगेगा जी। कोई तैयार है आपके पास एलिमेंट लगा हुआ है? एलिमेंट अभी लगाएगा, आधा पौन घंटा लगता है बस ये, मगर एलिमेंट भी ऑटोमेटिक होता है आपका। अच्छा। अब ज़्यादातर जहाँ पर गैस की प्रॉब्लम रहती है तो 2-in-1 बनाते हैं। अच्छा, यानी कि ये गैस पे भी चलेगा और इलेक्ट्रिक पे भी चलेगा, दोनों जगह चलेगा। ये ऑटो होते हैं थर्मोस्टेट, इसका भी थर्मोस्टेट ऑटो है, ये भी ऑटो है, ये खुद ही आपका ये बंद हो जाएगा जब ऑटो कर लेगा। और इडली का होता ही हमारा, ये इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पुराने जमाने में वो बाल्टी में डाल रहे थे, वही चीज़ है ना, वही चीज़। ये ऐसा तो नहीं है करंट वरंट लगता है? नहीं, सेफ है ये, इसमें ये थर्मोशेड लगा हुआ है, ये अलग हो जाता है, इसमें तार नहीं आते। अच्छा, ये थर्मोशेड है इसका, ऑटो होता ही है, वो बाल्टी वाले में तो ये है थर्मोशेड नहीं होता, इसमें करंट वगैरह का कोई इशू नहीं है? नहीं, करंट का कोई इशू नहीं, सेफ है ये। और ये आप कह रहे हैं कि ये बाहर का होता है? ये इटली का एलिमेंट है, इस पर लिखा हुआ है बाकायदा। कितने वाट का? सिर्फ एक, ये 2000 वाट है, इसी में 4,000 वाट, और लेकिन छोटे में 1500 वाट लगेगा। तो फिर इसका जो कनेक्शन होगा वो नॉर्मली नहीं, वो आम से नहीं होगा, इसके लिए जो एसी वगैरह कनेक्शन होते हैं मोटे तार में वो लगेंगे इसमें, 729 में। छोटे उसमें तो जल जाएगा जी। इसके लिए फिर पूरी वायरिंग करानी पड़ेगी? वो तो करानी पड़ेगी जब मजबूरी, अभी गैस नहीं आई है, आमतौर पर फ्लैटों में सामने गैस नहीं आई है, तो अब बिचला इसको भाई ये होता है कि इसको 15-20 मिनट आधे घंटे चलाएं फिर बंद कर दें ताकि बिजली की बचत हो जाए। वैसे अगर इसको हम रात में चलाते हैं 2-3 घंटे तो महीने में कितना बिल आ जाएगा? महीने का तो समझे जैसे आपके एसी चल रहा है उस तरह का आएगा, एसी की तरह चलेगा। तो ये वायर आप करके देते हैं? नहीं, ये तो इलेक्ट्रिशियन करके देगा, हम तो गीजर जी आइए वगैरह कर देते हैं, वो कर देते हैं आप फिटिंग वगैरह, गीजर की इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये पुराने गीजर भी आप लोग परचेज करते हैं? वो पुराने गीजर लेके नया गीजर वो भी एक कर देते हैं हम लोग। उसमें क्या पुराने गीजर की क्या? पुराने गीजर के हम 4,000 रुपये जो है ना उसकी कॉस्ट में कम कर देते हैं, वो स्क्रैप होते हैं हमारे लिए लेकिन वो कम कर देते हैं। अच्छा, वो लेस हो जाता है जी। हाँ, तो भाई ये बहुत अच्छी बात बताई कि पुराने गीजर भी आप जो है वो इनको दे सकते हैं और नए गीजर परचेज कर सकते हैं, जो भी डिफरेंस होगा वो 4,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे एक मतलब हमारे व्यूअर्स को अपना एड्रेस दोबारा बता दें और अपना कोई व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें ताकि आपसे कोई रابطہ करना चाहे तो रابطہ कर सके। एड्रेस ये हमारा ये मेन वाटर पंप है हाजी महफूज शीरमाला वाले के साथ, फटेलवी एरिया में शॉप है हमारी, खान ब्रोस के बिल्कुल अपोजिट है, हाईवे गीजर के नाम से हमारी दुकान है और रुकैया स्क्वायर में मेन दुकान है हमारा। शॉप नंबर हमारा 7-8-9, 3 शॉप है हमारी और इधर ही सारे काम होते हैं फटेलवी एरिया में। अपना व्हाट्सएप नंबर बताएं जहाँ पे आपसे रابطہ किया जा सके। 0340-83-9-6-6-6। टाइमिंग भी बता दें, एक मतलब सुबह 10 बजे से लेकर रात 9-8 बजे तक, संडे फ्राइडे दोनों दिन खुला है। अच्छा, पिक्चर भी मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप में कि कितने गैलन का, ये सारी चीज़ें? जी, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। कराची से बाहर भेज सकते हैं आपको जी।
वो कस्टमर चार्जेस देगा। चले अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारा टाइम दिया हमें और माशाल्लाह से आपके पास बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, हमारे सब्सक्राइबर के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट देंगे? जैसे हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई आता है आपके पास तो उसके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट होगा? स्पेशल डिस्काउंट हम कर देंगे उनके लिए। कर देंगे जी हाँ। चले ज़बरदस्त भाई, आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अंकल के पास विजिट कीजिएगा, एड्रेस और इनका व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। चलें अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, इनके पास बहुत सारी क्वांटिटी मौजूद है, डिफरेंट गेजेस के ऊपर हैं, डिफरेंट इनके पानी की कैपेसिटी मौजूद है, छोटे बड़े सारे गीज़र मौजूद हैं, कमर्शियल तौर पे भी और रेजिडेंशियल तौर पे भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं गीज़र को तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इनकी शॉप का कंप्लीट एड्रेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो में दे दूँगा और इनका व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। वैरायटी इनके पास बहुत सारी है और अगर आप ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं तो ऑर्डर पे भी इनके पास गीज़र बन जाते हैं। एड्रेस मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ यहाँ पर इनका शॉप का, कि वाटर पम्प का चौरंगी है, सामने वाटर पम्प की चौरंगी है और ये रास्ता जा रहा सीधा आशा मंजिल की तरफ, ठीक है। सामने अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है और ये खान ब्रोस से बहुत मशहूर है, उसके जस्ट अपोजिट ये शॉप है और ये आप देख सकते हैं हाईवे के नाम से, हाईवे गीज़र के नाम से इनकी ये शॉप है और ये काफ़ी बड़ी शॉप है। इनके चार दुकानें हैं यहाँ पर, तीन दुकानें हैं और मैन्युफैक्चर भी ये खुद है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप लोगों को अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाई और चादर मोल्ड होते हुए भी दिखाई आपको मैंने, ये देखें चादर मोल्ड वगैरह और ये काम चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक और गैस दोनों के ऊपर जो 2-in-1 होता है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपके इलाके में गैस का मसला है तो आप इलेक्ट्रिक में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस वक्त वेल्डिंग हो रही है, तैयार हो रहा है, ये इनकी वर्कशॉप है, चादर को किस तरह से फोल्ड किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया, तो भाई इनसे आप अगर रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो देखी, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो में भी हमारे साथ मौजूद है इमरान भाई। इमरान भाई का चैनल बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इमरान भाई, अपने चैनल के हवाले से थोड़ा सा बताएँ। ट्रैवलिंग इन फूडी पाकिस्तान के नाम से चैनल है और पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने फिर से मुझे अपनी वीडियो का एक हिस्सा बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई हैं बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं। और व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रैवलिंग इन फूडी पाकिस्तान के नाम से मेरा चैनल है, मैं इसमें ट्रैवल के हवाले से भी वीडियो डालता हूँ और फूड के हवाले से भी डालता हूँ और ये शॉप्स का है इनका भी रिव्यू लेता हूँ, तो ज़रूर विज़िट करिएगा। और शरियार भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर हो सके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें मेरा, ताकि व्यूवर्स को भी आसानी से मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है सर, आप हमारे भाई हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें, और हमारे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलें मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।